अस्सलाम वालेकुम 051 न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ बुशरा गुल। हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महतेत कर दिए। इसके खिलाफ वफाकी तालीमी इदारों उस्ताद दीगर मुलाजमीन सर ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं और एहतजाज ऑर्डिनेंस की वापसी तक जारी रहेगा। नुमाइंदा शेर खान डी चौक धरने में मौजूद हैं, आइए जानते हैं मजीद तफसील। शेर खान जी। जी शेर खान जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में और ये फिडल यूनियन टीचर की तरफ से एहतजाज जो है ना किया जा रहा है। इनका एहतजाज रैली की शक्ल में सबसे पहले ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठे रहे, वहाँ से इन्होंने ऐलान किया, पर अमन रैली की शक्ल में ये इस्लामाबाद के डी चौक में पहुँच गए और इनके मुतालबात जो है ना, इनके मुतालबात ये हैं कि जो आर्डिनेंस 3 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने पास किया हुआ है उसमें शक जो है ना 166 को नामंजूर किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। तो ये शक क्या है, ये शक जो है ना 166 जो है ना, ये हैं बल्दिया के नीचे जितने भी आपके सरकारी इदारे हैं, स्कूल हैं, उनके मातख्त लाने के लिए जो टीचर यूनियन को मंजूर नहीं है। अवाम की तरक्की के लिए बच्चों की तालीम और तरबियत और नज़्म व ज़ब्त नागज़ीर है। तलबा अपने तहजीब और इक़्तिदार के बारे में आगाही हासिल करें। कायद के फरमान ईमान इत्तेहाद और तंजीम की अमली तस्वीर बने। सदर डॉक्टर आरिफ उलवी, कोरोना वायरस की वबा के दौरान हमने ईमान इत्तेहाद और तंजीम का मुजाहरा किया, बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की जिसकी वजह से भारत और दीगर ममालिक के बरअक्स हम इस वबा से निस्बतन महफूज हैं। करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी शख्स से रायत ना भरती जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC में शामिल हकूमती मेंबरान को हदायत दी है कि करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी शख्स से रायत ना भरती जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहद हकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत आवाम के सामने इतराफ़ करेगी कि वो नाकाम हो चुकी है। जहां लोग सिलेक्टेड हों और वोट चोरी करने आए हों, इन्हें आवाम की परवाह नहीं होती। जिस तरह हुकूमत चल रही है, जल्द मुल्क महंगाई में पहले नंबर पर होगा। वफाकी वज़ीरे मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी से सऊदी अरब और शाम के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीरों की मुलाकात। वज़ीर मज़हबी अमूर के नामजद सफीरों से हज उम्रा और ज़ियारत के हवाले से तफसीली बातचीत। पुरम अमीन राठौड़ सऊदी अरब जबकि सईद मोहम्मद खान शाम के लिए पाकिस्तानी सफीर नामजद हुए हैं। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को सहूलियात की फ्राहमी, आइंदा हज इंतजाम, हज कोटा, कोरोना SOPs पर गुफ्तगू।